अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक रिव्यूज़ चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं मज़ीद दो वॉचेस को यहाँ पे कंपेयर करने जा रहा हूँ। पहली वॉच हमारे पास निकल के आती है IMI लैब की तरफ से W12 मॉडल के नाम से। इसके अलावा दूसरी वॉच जो कंपेयर करने जा रहा हूँ W12 के साथ, उसका नाम हेलो RT के नाम से निकल के आ जाता है। इसका मॉडल नंबर हेलो RT LS05 के नाम से निकल के आते हैं। इन दोनों वॉचेस का कंपेयर करेंगे, देखें कि हमें कौन सी वॉच इस वक्त 2021 के अंदर बाई करनी चाहिए, कौन सी वॉच के अंदर ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंपेयर करके बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों दोनों वॉचेस को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले शेप की बात करें तो आपको राउंड शेप देखने को मिल जाती है दोनों वॉचेस की। डायमेंशन की बात कर ली जाए तो आपको थोड़ा सा फ़र्क हाइट के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे ओवरऑल 45x12.5mm की आपको डायमेंशन देखने को मिल जाती है दोनों वॉचेस की। वेट के हवाले से बात करें तो 50.4 ग्राम का वेट RT का देखने को मिल जाता है, जबकि 57 ग्राम का वेट आपको IMI लैब W12 का देखने को मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो ब्लैक दोनों वॉचेस देखने को जाती हैं। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो 1.28 इंच IPS स्क्रीन आपको हेलो RT LS05S के अंदर देखने को मिल जाती है, जबकि 1.32 इंच IPS स्क्रीन आपको IMI लैब W12 के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो आपको 240 पिक्सल देखने को मिल जाते हैं हेलो RT के अंदर, जबकि 360 पिक्सल आपको W12 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉयड और IOS दोनों डिवाइस के लिए ये कंपेटिबल रखी गई हैं। जबकि अगर सेंसर की बात कर जाए तो हार्ट रेट सेंसर आपको RT के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि हार्ट रेट सेंसर के अलावा आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सीलरोमीटर आपको W12 के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ की बात करें तो वजन 5.0 दोनों वॉचेस के अंदर देखने को मिल जाता है। GPS और NFC आपको दोनों वॉचेस के अंदर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग की बात कर ली जाए तो आपको हेलो RT के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि W12 के अंदर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। मल्टी स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो हेलो RT के अंदर आपको 12 मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जबकि मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको 13 W12 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हार्ट रेट सेंसर आपको दोनों वॉचेस के अंदर देखने को मिल जाता है। ब्लड ऑक्सीजन स्पोर्ट आपको हेलो RT के अंदर नहीं देखने को मिलती, जबकि IMI लैब की वॉच W12 के अंदर आपको ब्लड ऑक्सीजन स्पोर्ट भी मिल जाती है। स्लीप मॉनिटर की बात करें तो आपको दोनों वॉचेस के अंदर स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। IP68 की डस्ट और वाटर प्रूफ रेटिंग आपको दोनों वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। बैटरी के हवाले से बात कर ली जाए तो आपको 300 mAh की बैटरी हेलो RT के अंदर, जबकि 330 mAh की बैटरी आपको W12 के अंदर देखने को मिल जाती है। नॉर्मल यूजेज की बात कर ली जाए तो आपको 10 डेज़ का नॉर्मल यूजेज बैकअप RT के अंदर, जबकि 5 to 7 डेज़ का नॉर्मल यूजेज आपको W12 का देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशंस की बात कर ली जाए तो आपको हेलो फन एप्लीकेशन करनी पड़ती है हेलो RT के लिए, जबकि ग्लोरी फिट के नाम से एप्लीकेशन करनी पड़ती है अगर आपके पास W12 की वॉच अवेलेबल है। इसके अलावा स्ट्रैप की बात कर जाए तो दोनों वॉचेस के अंदर सिलिकॉन के स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। एडिशनल फीचर्स को देख लिया जाए तो आपको सेडेंट्री रिमाइंडर, ब्रीथ ट्रेनिंग, अलार्म, बैरोमीटर, ब्राइटनेस एडजस्टिंग का ऑप्शन आपको दोनों वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। बॉक्स के कंटेंट्स की बात कर ली जाए तो आपको एक वॉच देखने को मिल जाती है, एक चार्जिंग केबल और एक यूज़र मैनुअल दोनों वॉचेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बात कर ली जाए कंपेरिजन करके दोनों वॉचेस को, तो कौन सी बेहतर निकल के आती है, W12 के अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ब्लड ऑक्सीजन स्पोर्ट भी देखने को मिल रही है, इसके अलावा थोड़े से ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको W12 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आखिर में अगर दोनों वॉचेस की प्राइस के हवाले से बात कर ली जाए तो आपको थोड़ी सी महंगी डिवाइस देखने को मिल जाती है, महंगी वॉच W12 देखने को मिल जाती है। 6,990 की प्राइस आपको देखने को मिल रही है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जबकि अगर बात कर ली जाए हेलो RT की तो आपको 5,390 रुपीज़ की वॉच देखने को मिल जाती है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। थोड़ी सी कम पैसों के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन फीचर्स ओवरऑल अच्छे ही देखने को मिल जाते हैं हेलो RT के अंदर, जबकि अगर थोड़े से आप ज़्यादा पैसे खर्च कर लेंगे तो आपको W12 वॉच देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ निकल के आती है। तो आपकी चॉइस कौन सी होगी मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई अनबॉक्सिंग टेक रिव्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शहजाद टेक रिव्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।